बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया में पेट्रोलियम, कोल, टेलीकॉम जैसे बड़े बड़े बिजनेस जरूर कर सकती हैं, लेकिन अपना एक खुद का बैंक नहीं खोल सकती। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना खुद का बैंक चलाती थी। फॉर एग्जांपल 1969 से पहले बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेस के बैंक हुआ करते थे, लेकिन ये बैंक्स पूरी तरह से फ्रॉड का घर थे। मतलब आम आदमी के लिए इन बैंक से लोन पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तभी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 14 अलग अलग बड़े बड़े बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया और इन सब बैंक्स की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब क्योंकि बैंकिंग सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेक्टर्स में से एक है, तो बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक ने कहा, आरबीआई आप हमें बैंक का लाइसेंस दे दीजिए प्लीज। तो आरबीआई कहता था अब देखते हैं। साल 2020 में आरबीआई की कमेटी ने सलाह दी कि क्यों ना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बदलाव किया जाए और बड़ी बड़ी कंपनी को अलाउ कर दिया जाए कि वो बैंक में अपना हिस्सा रख सके। और 2021 में इस रूल में बदलाव कर भी दिया गया और बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक अब प्राइवेट बैंक के अंदर 15% का हिस्सा रख सकते हैं। आरबीआई की कमेटी ने फिर से सलाह दी क्यों ना ये हिस्सा 26% तक बढ़ा दिया जाए और इस पे अब सरकार विचार कर रही है। तो ये हो सकता है कि अंबानी, अदानी और टाटा जी के बैंक आपको हर शहर में देखने को मिले।